मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायती राज पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जन कल्याण के लिए मांग पत्र प्रस्तुत किया है। ग्राम पंचायत स्तरीय मांग को लेकर पदाधिकारियों ने पंच, उप सरपंच और सरपंच के लिए जहां कई मांगे रखी हैं, वहीं विकास स्वेच्छा अनुदान सहित जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त विभागों के विभागीय बजट के अनुमोदन का अधिकार जिला पंचायत की सामान्य सभा सामान्य प्रशासन समिति को देने की मांग की है। कॉफी हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर संगठन के लोगों ने अपनी मांग रखी है। आइए सुनाते हैं पदाधिकारियों ने क्या कहा है। करना पालन है, इसलिए हम सब ये मांगे आप सबके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं, और जिसके संबंध दिनांक 14/12/2022 को समय 11:30 बजे शिव मंडप मैरिज गार्डन इटौरा में हम सब ने पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का सम्मेलन बुलाया, जिसमें सारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूरे प्रदेश से आ रहे हैं। सब लोग वहाँ रुकेंगे, सबके भोजन की व्यवस्था है, सारे सदस्य यहाँ उपस्थित होंगे, और उसके बाद हम लोग भोपाल चलने की रणनीति बनाएंगे, और उस दिन अपने मध्य प्रदेश के यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से उनको हम अपनी बात, अपने मांग पत्र को सरकार तक पहुँचाने को सौंपेंगे, और उनके आश्वासन के आधार पर और हम लोग भोपाल कूच करेंगे, और 20 तारीख को शासन स्तर पर मांग हमारी पूरी होने की बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहेंगे। आपका संगठन ये जो है, जो सरपंच करोड़ों का भ्रष्टाचार कर देते हैं, हाँ, जनपद अध्यक्ष कर देते हैं, हाँ, इनके खिलाफ भी आवाज उठाएगा तो उनकी बिल्कुल अगर अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो नए जनप्रतिनिधि चुन के आए, अभी उनके पंचायतों में काम शुरू नहीं हो पाए, हम सब उसमें बेहतरी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे सरपंच साथी अपने क्षेत्र के विकास के लिए सजगता से काम करना चाहते हैं। वर्तमान में सारे जनप्रतिनिधियों की ये सोच है कि हम अगर जनता से चुन के आए तो जनता की मांगों को पूरा करें, जनता पे अपना विश्वास बनाएं, ये आपको देखने को आगे आगे मिलेगा। भ्रष्टाचार होने की तो अभी कोई शुरुआत ही नहीं हुई, अभी तो हम सब विकास की बात कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के विकास में प्रगति कैसे हो ये रूपरेखा तय कर रहे हैं, एक कार्य योजना बना रहे हैं। अभी हमारे जो सम्मानीय जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी जी ने अपनी बात कही है कि जनाधिकार पंचायत राज संगठन हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये इनकी जो सोच है इस सोच को मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो भी आज के पत्रकार वार्ता में हमारे जनप्रतिनिधि अभी भाई कुंज बिहारी तिवारी जो जनपद पंचायत नईगढ़ी के जनपद अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर बैठे हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। आज आवश्यकता हम लोगों को अपने संगठन बनाने की इसलिए पड़ रही है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ में कहीं ना कहीं उस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है कि हमको जनप्रतिनिधि नहीं माना जा रहा, जबकि हम लोग पंचायत राज अधिनियम के तहत एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। हमारे लिए निर्वाचन आयोग ने बकायदे चुनाव की डेट किया, फार्म भराए गए, फार्म में हम लोगों ने अपना आवेदन किया, फिर इसके बाद बैलेट पेपर बनाए गए, फिर हमारी गणना हुई, गणना के पश्चात प्रमाण पत्र दिया गया। जिस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है उसके तहत हम लोग चुनाव जीत के आए। लोग कहते ये हैं कि ग्राम पंचायत का प्रथम नागरिक सरपंच होता है, होता भी है सरपंच। आज अगर सरपंच को अधिकार है तो आपका सचरा प्रमाणित करने का अधिकार है, आप सब लोग माने लोकतंत्र में वो प्रथम नागरिक है। अगर उसके ग्राम पंचायत में कोई भी मीटिंग हो, कोई भी अधिकारी हो, तो ग्राम पंचायत के सरपंच को पहले बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता में अपना कार्यक्रम करते हैं। हमारा केवल आप लोगों के माध्यम से, संगठन के माध्यम से चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो ग्राम पंचायत के पंच हों, चाहे सरपंच हों, चाहे जनपद के, चाहे हमारे भाई जनपद सदस्य हों, चाहे जनपद के उपाध्यक्ष हों, चाहे जनपद के अध्यक्ष हों, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हों, चाहे उपाध्यक्ष हों, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, ये हमारी जो व्यवस्था बताई गई है पंचायत राज के अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ग्राम पंचायत जो है हमारी निर्माण एजेंसी होती है, ग्राम पंचायत में न जाने किस किस प्रकार के हमारे जनप्रतिनिधि बड़ी मोटी मोटी किताब पढ़ करके आते हैं कि अपने ग्राम का विकास करेंगे, और चुनने के पश्चात फिर जब देखते हैं कि उनको कहीं किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं होता और दर दर ठोकरे खाने पड़ते हैं। आज रही बात यह कि जो जनता उनसे अपेक्षा करती है उस अपेक्षा में खरा उतरता नहीं है, तो हमारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि अपने आप को ठगा महसूस होता है, ये मुख्य बड़ी बात यह है। जबकि पंचायत राज अधिनियम के तहत जिस तरीके से महात्मा गांधी की परिकल्पना
महात्मा गांधी ने किया था कि ग्राम पंचायत का ग्राम के चुने हुए जनप्रतिनिधि और ग्राम की जनता का स्वराज्य होगा और वहीं अपनी कार्ययोजना बनाएंगे और उसी तरीके से वो अपने गाँव का विकास करेंगे। अभी हमारे 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल सरपंच सम्मेलन बुला करके सरपंच भाइयों के साथ में थोड़ा बहुत उन्होंने किया है, जिससे उतने में सरपंच ग्राम पंचायतों के सरपंच उसमें से संतुष्ट नहीं है कि जिस तरीके से भाई हमारे विकास तिवारी जी ने कहे कि एक मजदूरी जो मनरेगा की मजदूरी होती है उसके मजदूर के बराबर भी उसको नहीं मिल रहा। अभी जिस तरीके से तमाम आती है, अभी हमारे बहुत से सरपंचों के कार्यकाल प्रारंभ नहीं हुए, किसी भी प्रकार से आय और व्यय का बजट अनुमोदन नहीं हुआ और ना ही बजट का किसी प्रकार से व्यय किया गया, लेकिन शिकायत हमारे बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में बड़ी बड़ी शिकायतें आ गई। हमारा केवल आप लोगों के माध्यम से यही है कि जिस तरीके से पंचायत राज अधिनियम में जो त्रिस्तरीय पंचायत को 1993 में जो अधिकार दिए गए थे, जिस तरीके से वही हम चाहते हैं कि अधिकार मूलतः वापस हों। निश्चित रूप से अगर हमारा जनप्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में आता है, चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, तो उसको मानदेय मिलना चाहिए, उसको पेंशन मिलना चाहिए। आज हमारा पंच आता है बैठक में, उसको एक रुपये नहीं मिलता, चला जाता, कोई बैठक में नहीं आते। बैठक में नहीं आते तो जिस परिकल्पना के लिए ग्राम पंचायत गठित है उस परिकल्पना की पूर्ति नहीं होती।